नमस्कार दोस्तों, आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत इस सुंदर से प्राकृतिक दृश्य के साथ। लेकिन आज जो मैं आपको बातें बताऊंगी दोस्तों, वो बिल्कुल आयुर्वेदिक टिप्स हैं जो कि आपके हेल्थ के लिए तो अच्छे हैं ही हैं और बिल्कुल उन सभी लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है वो जो उन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी और उसका इलाज भी बताऊंगी। तो आज का ये वीडियो आप एक आयुर्वेदिक तौर पे लो और है एक प्लांट से जुड़ा हुआ वो। तो आज का वीडियो है दोस्तों हमारा अर्जुन के प्लांट के ऊपर, और जिसको कि हम टर्मिनाइलिया भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो अर्जुन की छाल के बारे में पता नहीं आपने सुना है नहीं सुना है, लेकिन जिन्होंने सुना है उनको तो बिल्कुल जैसे ही मैंने बोला है उसके बारे में पता लग ही गया होगा। और उनको अगर अर्जुन की छाल के बारे में पता है तो उसके बेनिफिट्स भी थोड़े बहुत पता होंगे। सारे तो नहीं कहती मैं, लेकिन जितने मुझे पता है मैं बताने की कोशिश करूंगी इस वीडियो में। तो दोस्तों अर्जुन की जो छाल है या अर्जुन के जो वृक्ष हैं वो तो भारतवर्ष में पाए जाते हैं और ज्यादातर ना सेंट्रल एरिया में इंडिया की, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, जो सेंटर वाले हैं नदी नालों के पास मिलते हैं और बहुत ऊंचा पेड़ होता है दोस्तों इसका। लेकिन जो इसकी छाल है ना वो आप किसी भी प्रकार के आपके रोग हो, क्योंकि दोस्तों हमारे तीन प्रकार के रोग होते हैं शरीर में, या वात से होता है, पित्त से या कफ से, तो किसी भी प्रकार के रोग हो ये सभी रोगों के लिए रामबाण औषधि है। और इसके लिए दोस्तों मेरे पास कोई कमेंट नहीं आया था, मेरा खुद से ही मन कर रहा था आपके साथ इस वीडियो को शेयर करने का और इस इतनी अद्भुत और चमत्कारी चीज के बारे में शेयर करने का, कि अगर आपको इस तरह की कोई भी समस्या है या नहीं भी है तो भी लो, क्योंकि दोस्तों बीमारी के बाद उपचार करना तो सभी का काम है ही है। काम क्या है, तब तो जाना ही पड़ता है डॉक्टर के पास दुखी होके। लेकिन अगर हम पहले से ही अपने शरीर को ऐसा स्वस्थ और ऐसा बढ़िया बना लें कि हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े, शुरुआत से हम अपने हेल्थ को ध्यान में लेके चले, तो बिल्कुल ये वही चीज है। और बिल्कुल आजकल आप जैसे कि ग्रीन टी तो यूज करते ही है ना, बहुत चलन में आ गई है ग्रीन टी आजकल, तो बिल्कुल ग्रीन टी का तो बाप है खैर ये, क्योंकि ग्रीन टी एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, वो तो खैर इसने करना ही करना है। लेकिन ये दोस्तों किसी भी तरह की अगर आपकी प्रॉब्लम है जैसे मैं बता रही हूँ शरीर में, तो उसके लिए भी रामबाण है ये। तो ग्रीन टी तो आप सभी को बनानी आती है, वैसे इसको भी बनाना है। और इसका एक और बेनिफिट है कि ग्रीन टी में हम क्या करते हैं, दूध वगैरह नहीं डाल के पी सकते, लेकिन जिन लोगों को दूध वाली चाय पीने की आदत है ना, या शौक कह लो, तो बिल्कुल उनके लिए भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें आप दूध डाल के भी पी सकते हो, या दूध में भी बॉयल करके पी सकते हो, या काढ़ा बना के, जैसे हम चाय पत्ती को उबालते हैं तो उस तरह से आप काढ़ा बना के, जैसे हम आगे चाय बनाते हैं, जैसे बस आपने पत्ती की जगह ना चाय पत्ती जब हम रझाते हैं तो उसकी जगह बस आपने इसका हाफ टेबल टीस्पून लेना है और उससे अपनी चाय बना लेनी है, और बिल्कुल वही कलर आएगा क्योंकि मैं बनाती हूँ जो कि आपकी चाय का आता है। इतना डार्क तो नहीं होगा क्योंकि हम पत्ती ज्यादा डाल देते हैं, लेकिन हाँ नियर अबाउट वैसा ही कलर होगा। और इसके साथ अगर आप ठंड में बना रहे अदरक वगैरह कुछ भी डाल लो आप इसमें, और बिल्कुल चीनी तो खैर दोस्तों मैं खुद भी नहीं पीती, और उसकी जगह आप गुड़ अगर डालते हो तो बहुत बढ़िया है, अगर आप शक्कर या खांड डालते हो तो भी बहुत बढ़िया है। तो चीनी का उपयोग कम से कम किया करो, मैं तो खैर मंगाती नहीं हूँ, उसकी जगह मैं खांड या शक्कर का यूज करती हूँ। तो बिल्कुल एक तरह का रामबाण है दोस्तों ये हर तरह के इलाज के लिए। और इसका उपयोग दोस्तों जो आयुर्वेद के चिकित्सक हैं वो ज्यादातर हर्ट के जो रोगी जाते हैं ना उनके लिए तो ये रामबाण बताते हैं। और ये ज्यादातर रोग दोस्तों किस वजह से होते हैं, हमारे शरीर में जो कचरा जमा होता है, और जब खून में आपके कचरा जमा होना शुरू हो जाए तब ये समझ लो हर्ट की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, चाहे वो क्लोट्स हो, हाई बीपी हो, लो बीपी हो, ट्राइग्लिसराइड, बैड कोलेस्ट्रॉल हो गया जी, ये सारी की सारी समस्याएं जो हैं आपके खून से जुड़ी हुई हैं। और खून का सारा काम झाम जो है आपका है ना वो है देखने वाला आपका हर्ट, तो आपके हर्ट में से सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ को तो खैर ये दूर करेगा ही करेगा, जितनी भी हमारी आर्टरीज हैं। और बिल्कुल दोस्तों आज तो आप देखते होंगे कितने लोगों को हम एंजियोप्लास्टी कराते देखते हैं है ना,
और तभी एकदम से डॉक्टर बता देते हैं इसके खून में थक्के जमा हो गए हैं और इसकी एंजियोप्लास्टी कराओ, रिंग डलेंगे। लेकिन दोस्तों उसका कोई एक परमानेंट इलाज नहीं है कि आपने रिंग डलवा ली है तो आगे से आपकी क्लॉटिंग नहीं होगी ब्लड में, लेकिन इस तरीके को यूज करने से आपके ब्लड में क्लॉट्स जमा होने ही बंद हो जाएंगे, आपका खून इतना प्योरीफाई हो जाएगा कि आपकी बीपी की समस्या भी दूर हो जाएगी, बैड कोलेस्ट्रॉल की भी, और दूसरा किसी भी तरह के डॉक्टर के पास आपको जाना भी नहीं पड़ेगा हार्ट के। तो जैसे ही आपको डॉक्टर जरा सी भी ये सलाह दे कि आपके हार्ट में इस तरह की प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल घर आके इसका यूज करना शुरू कर दें काढ़ा बना बना के, और बिल्कुल सुबह सुबह आप बैटी के तौर पे भी इसको ले सकते हैं, है ना, या आप जब खाना खा लेते हैं उसके भी कई बार हम 1-2 घंटे बाद चाय की तलब लगती है कि हम चाय पिए, तो तब भी आप इसको ले सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल दोस्तों किसी भी तरह के रोगी हों उनके लिए सबसे ज्यादा रामबाण है। अब आ जाते हैं इस केक के गुण के ऊपर। हर्ट का तो आपको पता लग ही गया, बनाना मैंने सिखा दिया जैसे चाय बनाते हो बिल्कुल वैसे बनाना है आपने इसको। और इसकी दोस्तों जो प्रकृति होती है ना वो थोड़ी सी गर्म होती है, और इसके बेनिफिट्स अब देख लेते हैं अब क्या क्या होंगे। तो बिल्कुल हर्ट की प्रॉब्लम से तो बिल्कुल निजात मिल जाएगी आपको। तो दोस्तों हड्डी के टूटने पे भी अगर आप इसका जो लेप है वो जहाँ की हड्डी टूटी है वहाँ पे लगाते भी हो और जैसे इसका काढ़ा बना के पीते हो, तो हर्ट के साथ साथ आपकी हड्डियों को भी ये मजबूत बनाता है। और कई बार जैसे हमें इचिंग हो जाती है या बर्निंग की प्रॉब्लम हो जाती है तब भी इसके चूर्ण को आप वहाँ पे लगा सकते हो। और हृदय के रोग में तो मैंने आपको बता ही दिया, इसका काढ़ा बना बना के पियो, आपका जो हर्ट है वो एकदम परफेक्टली काम करना शुरू कर देगा। और आ जाते हैं पूरे के पूरी बॉडी ऑर्गन्स पे। हर्ट हमारा हो चुका है, हर्ट का नाम हम सबसे पहले लेते हैं बॉडी ऑर्गन्स के तौर पे, तो हार्ट अटैक वगैरह आपको कुछ भी नहीं होगा, आपका हर्ट बहुत अच्छे से काम करेगा। और दोस्तों पूरी की पूरी बॉडी को प्योरीफाई करने के लिए इसका काढ़ा बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपके शरीर में जब इम्प्योरिटीज ही नहीं बने होंगी और सारी की सारी इम्प्योरिटीज आपकी निकल जाएंगी। और बिल्कुल दोस्तों ये ऐसे ही काम करती है अर्जुन की छाल, जैसे कि हम सुबह सुबह टीथ्स पे ब्रश करते हैं, तो पूरी की पूरी बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स का ब्रशिंग का काम करती है। जैसे कई बार हम बाहर का खाना खा लेते हैं, स्ट्रीट फूड खा लेते हैं, या ऑफिस में हम बाहर से खाना मंगा लेते हैं, जो ऑफिस में जॉब करते हैं उन बेचारों को अपनी हेल्थ का ध्यान रखने का इतना टाइम नहीं मिलता, तो बिल्कुल ये जो काढ़ा है इसका, ये आपके हार्ट को, आपकी किडनीज को, आपके लीवर को, आपके लंग्स को, आपके ब्रेन को, सभी को एक्टिवेट करके रखेगा। और ये उन लोगों के लिए तो दोस्तों बिल्कुल रामबाण है जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते, क्योंकि कई बार आपका ऑफिस का शेड्यूल इतना टाइट होता है और इतनी हार्ड वर्किंग होती है, और कई बार आपको वहां तक पहुंचने के लिए भी बहुत टाइम पहले घर से निकलना होता है ना, तो कई बार 2-4 घंटे पहले ही हम निकलते हैं ताकि ऑफिस में टाइम से पहुंच सकें, और सुबह उठते भी हैं तब एक्सरसाइज क्या, टाइम पे पहुंचना ही सबसे मस्ट होता है घर चलाना। तो उन लोगों के लिए तो बिल्कुल रामबाण है जिनका कि बिल्कुल एक ऑफिस वाला शेड्यूल है, जिनके पास इतना टाइम नहीं होता एक्सरसाइज के लिए, और वो चाहते भी है कि उनका जो शरीर है वो एकदम स्वस्थ रहे और अंदर से एकदम प्योरीफाइड रहे, तो उनके लिए रामबाण है ये। ग्रीन टी से भी बहुत बढ़िया एजेंट है आपके लिए, आजकल की जो लाइफ चल रही है लोगों की तो उनके लिए, और दूसरा आपके बजट के अंदर भी है। कॉफ़ी और टी दोस्तों कितनी महंगी आती है, और ग्रीन टी के नाम पे तो आज इतनी महंगी महंगी टी बनने लगी है, इसमें ये मिला हुआ है, इसमें वो मिला हुआ है, तो उन सभी को पीछे छोड़ते हुए ये आपका मेरे ख्याल से 25-30 रुपए किलो आता होगा पंसारी से या किसी भी शॉप से आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल अपने सुबह की शुरुआत इसकी चाय बना के करें, इसकी चाय कह लो बस, है ना, काढ़ा कहोगे तो शायद ना पिया जाए, तो बिल्कुल इसकी चाय बना के आप पियो, चाहे दूध में बॉयल करके पियो, मतलब जिस तरह मर्जी आप इसको अपने जो भी आप सुबह सुबह ड्रिंक पीते हो उसमें मिक्स करके पी लो, तो बिल्कुल आपके बिजी रूटीन की भी समस्या खत्म होगी अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते तो, है ना, तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपके शरीर में नहीं होगी, और आपकी ताकत को तो बढ़ाएगा ये, इम्यूनिटी को आपकी स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके डॉक्टरों का खर्चा बचाएगा, और आपको आज पता तो यही डॉक्टरों की फीस क्या है ना, तो बिल्कुल सारी की सारी प्रॉब्लम इतने सस्ते टिकाऊ तरीके से अगर दूर हो रही है तो बिल्कुल करनी चाहिए। और बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहिए लाइफ को, अगर छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ करने से हमारे हेल्थ को इतने सारे बेनिफिट मिल रहे हैं तो बिल्कुल दोस्तों उन्हीं चीज़ों का यूज़ करके हमें अपनी सारी प्रॉब्लम को दूर भी करना चाहिए, और बिल्कुल बजट तो हमारा मेंटेन रहेगा ही रहेगा, है ना, इससे।
और दोस्तों कई बार जैसे होता है, कई बार लोगों के मुंह में छाले भी हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, ज्यादातर ना पेट की समस्या के कारण ही होते हैं। अगर आप इसका काढ़ा पीना शुरू कर दोगे ना तो पेट आपका साफ हो जाएगा और मुंह के छाले भी दूर हो जाएंगे और पूरे के पूरे बॉडी की दुर्गंध को भी दूर करता है ये। अगर आप इसके उबटन को ना थोड़ी देर नहाने से पहले शरीर पे अगर लगा लेते हो, और बिल्कुल एक बॉडी पॉलिशिंग की तरह काम करता है ये, हल्का हल्का सा अगर आप लगा लेते हो और थोड़ी देर रुक के फिर नहाते हो और फिर इसको अच्छी तरह से रगड़ के उतार देते हो ना, तो बिल्कुल ऐसे हो जाएगी आपकी बॉडी एकदम पॉलिश हो जाएगी और ताकत तो इसकी इसे लेने से बढ़नी बढ़नी है। तो बिल्कुल आपके पूरे के पूरे रूटीन को एक्टिवेट करने के लिए और बिल्कुल सारी की सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए तो बिल्कुल इसका सेवन शुरू कर दें, है ना। तो किसी भी तरह की समस्या हो दोस्तों, जॉन्डिस हो और या डायबिटिक पेशेंट हो और किसी के यूरिन में प्रॉब्लम हो या पीलिया वगैरह की समस्या हो, तो या किसी को कई बार ऐसा होता है तेज़ धड़कन होनी शुरू हो जाती है, कई बार कहीं भी दर्द उठ जाता है, घबराहट हो जाती है, या पुरानी किसी को खांसी हो रही हो, है ना, या किसी को एक दो बार हर्ट का कुछ हो भी चुका हो, झटका वगैरह लग चुका हो, तो बिल्कुल पीना इसको शुरू कर दो। ऐसी कोई इतनी कीमती चीज़ नहीं है ये, लेकिन आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए बहुत कीमती है। कुछ चीज़ें दोस्तों हम इतनी ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते, उनकी उनके रेट की वजह से या वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती। ज़्यादातर हमारा ध्यान ऐसा होता है कि ये चीज़ एक्सपेंसिव है तो ये हमारे हेल्थ को बेनिफिट करेगी, ऐसा नहीं होता। अगर आपको वाकई में उस चीज़ के गुणों के बारे में पता है और आप वाकई में ही बहुत एक लाइट तरीके से अपनी किसी भी प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं, तो आयुर्वेदिक नुस्खे उसी तरह के होते हैं और बिल्कुल आपके आसपास मिलने वाले होते हैं ये, तो उनका उपयोग करके अगर हम इन डॉक्टरों से बचे रहें तो सबसे बढ़िया बात है। तो बिल्कुल इसका यूज शुरू कर दें। सारे की सारी जो भी बातें हैं मैंने आपको बता दी हैं इसके बारे में। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। और बिल्कुल और भी अगर आपने, शायद मैं भूल भी गई हूँ बताते हुए, जितनी मुझे ध्यान आ रही थी बता दी, क्योंकि एक टाइम लिमिट में रह गई मुझे बातें बतानी होती हैं दोस्तों। लेकिन इसके बेनिफिट बहुत सारे हैं, बहुत अमूल्य चीज़ है ये। अगर आप दिन में एक बार भी इसको लेना शुरू कर देते हैं, आप फर्स्ट डे लेंगे ना तब भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा इसको लेके, आप लेके देखना एक बार। इतनी कोई कॉस्टली भी नहीं है ना, चाहे पंसारी से मंगवा लो, चाहे जो आयुर्वेदिक शॉप्स हैं हमारी आसपास में खुली हुई हैं कई कंपनीज की, सबके पास मिलता है ये। तो इसको लेना शुरू कर दो सुबह सुबह, चाहे सुबह की बैटी में लो आप, या टी तो टी कह लो चलो, है ना, है तो एक तरह का काढ़ा सही है, और बिल्कुल खाने के बाद ले लो या शाम को ले लो, जब आपका दिल करे तब ले लो, है ना। तो आपका सारा का सारा बॉडी एकदम प्योरीफाई हो जाएगा, सारे के सारे ऑर्गन्स एक्टिवेट हो जाएंगे और बहुत अच्छी चीज़ है ये। लेके देखना, मैं खुद लेती हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ, और बहुत रिफ्रेशिंग सा मूड हो जाएगा आपका। जब कोई भी समस्या नहीं होगी शरीर में तो रिफ्रेशिंग सा तो होना ही होना है, और इतने सारे अगर गुण हैं इस चीज़ में तो लेने में कोई नुकसान भी नहीं है, फायदे ही फायदे हैं सारे के सारे। तो बस उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। टेक केयर।